कुछ दिनों पहले मैंने अपने शो के आगाज़ में एक रिसर्च शेयर की थी और मैंने बहुत प्राउडली बताया था कि हमारी ख्वातीन किसी से पीछे नहीं है, चाहे अंटार्कटिका जाने की बात हो तो ख्वातीन वहाँ पर भी पहुँच चुकी हैं, झंडे गाड़ चुकी हैं। हमारे साथ आज उस रिसर्च वाली खातून मौजूद है जो अंटार्कटिका गईं और एक प्रोग्राम के तहत गईं। डॉक्टर तैयबा जफर ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो डॉक्टर तैयबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जहाँ हम आपकी रिसर्च शो कर रहे थे कि ख्वातीन इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं, तो आपसे मिलकर भी हमें डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है। अच्छा डॉक्टर तैयबा, अपने सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। बेसिकली यू आर फ्रॉम सिडनी, राइट? या उसके वहाँ पर आप किस तरह से लेक्चरर हैं, क्या कर रही हैं, उसको थोड़ा सा बताइएगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट फ्रॉम 3.5 ईयर्स हूँ, और उससे पहले मैं जर्मनी में काम करती थी एंड आई वाज विद द बिगेस्ट टेलीस्कोप्स ओवर देयर, वर्किंग फॉर 8 मीटर और मोर टेलीस्कोप। ये हम इस बारे में बात करेंगे एंड ऑडियंस विल गेट नो मोर ऑफ इट। पर अब From 3.5 years, first मैंने Ministry of Science के लिए काम किया, Australian Ministry of Science के लिए, and then हमारा department वो डिसॉल्व करना चाहते थे, सो उसे मूव कर दिया गया मैक्वेरी यूनिवर्सिटी के साथ। सो करंटली आई एम वर्किंग देयर एज अ लेक्चरर। लवली। अच्छा डॉक्टर तैयबा, जिस प्रोग्राम के तहत आप गई, बेसिकली वो प्रोग्राम है क्या? बेसिकली वो प्रोग्राम असल में साइंस में जितनी भी आपके पास ऑल अक्रॉस साइंस फील्ड जितनी भी आपके पास औरतें हैं, ये उनके लिए एक प्रोग्राम था। मैं एस्ट्रोनॉमर हूँ, मेरी साइंस ऑफ कोर्स फिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, और सितारों और कहकशाओं का काम है मेरा। और उसमें वो सिलेक्ट कर रहे थे नॉट ओनली इन एस्ट्रोनॉमी बट ऑल लाइक साइंस फील्ड, जिसमें मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और उसके अलावा मेडिसिन, इन सारे शोबों से वो सिर्फ वुमेन का प्रोग्राम है जिसमें वो कलेक्ट करते हैं एवरी ईयर। सो ओवरऑल वो प्रोजेक्ट है 10 ईयर्स का। आई वॉज गॉन विद देयर थर्ड कोहॉर्ट, सो ये थर्ड ईयर ऑफ द प्रोग्राम था। मेन एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू एक्चुअली गेट 1000 वुमेन इन 10 ईयर्स, जिन्हें वो ट्रेन करेंगे फॉर लीडरशिप कोर्सेज, बिकॉज ऑल दे वॉन्ट इज़ के हमें औरतें चाहिए जो इस प्लानट का एक फेस हों और वो हर जगह पर लीड करें, और वो अपने नाथ सिर्फ साइंटिफिक प्रोफेशन को बट उसके अलावा जैसे हमारे पास ये माहौलियाती तब्दीलियाँ बहुत वाकई हो रही हैं, वो उसके बारे में भी कोई इनिशिएटिव लें। बिकॉज़ अगर सिर्फ क्लाइमेट चेंज के बारे में क्लाइमेट चेंज के लोग ही काम करते रहें, इट विल नॉट बी इनफ, इट्स फॉर ह्यूमैनिटी। अच्छा डॉक्टर तैयबा, क्योंकि आपने बताया कि एक बड़ा एक्सटेंसिव प्रोग्राम था, एक साल आपकी कोचिंग भी हुई, काउंसलिंग भी हुई, प्लानिंग स्ट्रेटजी, उस सफ़र के हवाले से इसे भी थोड़ा शेयर करें कि किस तरह की काउंसलिंग कोचिंग आपको मिली? वो काफ़ी इंटेंस था, बिकॉज ऑफ कोर्स दे वर ऑलवेज टेलिंग अस कि अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो, लीडर स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ, सो आपको पहले ये जानना है कि आप खुद क्या हो। और वो ऑफ कोर्स हर आदमी में कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। समटाइम हम अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ ही चलते हैं, देन वी कैन बिकम लीडर। समटाइम हम अपनी उन नाकामियों या महरूमियों के साथ इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते। सो दे वर टेलिंग अस वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं और आप उनसे कैसे बाहर निकल सकते हो, वो कौन से आपके फियर्स हैं, लाइक कुछ होफ होते हैं, लेट्स से कि आपको हाइट फोबिया है या व्हाटएवर, सो थिंग्स लाइक दिस, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं, वो छोटी हैं या बड़ी हैं, आपने उनसे कैसे बाहर निकलना है। सही। और इट्स मोर लाइक जर्नी ऑफ एन इनर सेल्फ, साइकोलॉजिकल भी आपको ट्रेनिंग या काउंसलिंग आपकी की गई। एक्चुअली वी हैड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विद अस ऑल टाइम एट द शिप टू, सो हमारी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी कर रहे थे वो। और ये काफ़ी एक इंटेंस प्रोग्राम था, देयर वर मैनी मोमेंट्स, लाइक वो बातें जो आप किसी से नहीं करना चाहते जब आप उनसे करते हैं, एंड देन यू जस्ट क्राई बिकॉज आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो आप उस टाइम सिर्फ उनसे नहीं बोल रहे होते, यू स्पीक आउट टू योरसेल्फ आल्सो, बिकॉज आप इग्नोर कर रहे होते हैं। दैट्स ट्रू।